हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योग्राफी ऑप्शनल क्लासेस। तो हम लोग बात करने वाले हैं आज से हमारी मैथ मेकिंग की क्लासेस। मैंने आप लोगों को कल ही बता रखा था कि हम लोगों ने पेपर टू शुरू किया हुआ है और पेपर टू में एक सेक्शन जो इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है वो होता है मैथ मेकिंग का। तो हमें मैथ मेकिंग की भी प्रैक्टिस हर रोज करनी है। तो इधर मैं डे वाइज आपको मैथ मेकिंग करूंगा, 5 मिनट टू 10 मिनट्स मैक्सिमम ये हम लोग कंप्लीट कर लिया करेंगे एंड दिस विल बी वेरी शॉर्ट। स्टार्ट करने से पहले हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं, अगर आप देखना चाहें तो आप अपने डाउट्स वगैरह इनके थ्रू पूछ सकते हैं। इसके अलावा कुछ हमारे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जिसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, जिसमें ज्योग्राफी ऑप्शनल सीरीज हम लोग मोस्टली देख रहे हैं इस वीडियो में। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज। स्टार्ट करते हैं हमारा मैप मेकिंग डे वन के लिए मैंने आप लोगों को लोकेशंस टेलीग्राम चैनल में दे दी थी। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारी डे वन के लोकेशंस के बारे में बात करें तो देखिए, पीर पंजाल रेंज के बारे में मैंने बोला था, मैकाल रेंज के बारे में मैंने बोला था, कार्डेमम के बारे में बात करने हैं और मालवा और सांभर लेक के बारे में बात करना है। इस बात करने से पहले मैं आप लोग को छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूंगा कि यहाँ पर जब भी आपको पेपर टू के लोकेशंस में लोकेशन लोकेट करनी होती है तो आपको इसमें 30 वर्ड लिखना भी होता है। लोकेशन तो जनरली क्या होती है कि मतलब ठीक ही हो जाती है अगर आपको याद रहता है, तो उसके लिए तो हम लोग पर डे प्रैक्टिस ही करेंगे, लेकिन ये जो 30 वर्ड होते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार आपको बहुत ज्यादा आ रहा होता है, कई बार आपको बहुत कम आ रहा होता है, तो ऐसी क्या टेक्निक हम लोग लगाएं कि हम ये 30 वर्ड वाले सेक्शन से बहुत ज्यादा दिक्कत ना आए। देखिए, यहां पर मैं कहूंगा आपको एक्सपीरियंस का काफी अच्छा यूज मिलेगा। तो एक्सपीरियंस का मतलब हम लोग पूरी की पूरी सीरीज में इसी एक्सपीरियंस का ही बात करेंगे। आपको यहां पर सबसे पहले लोकेशन के बारे में बताना पड़ेगा। लोकेशन में आपको बताना है किस स्टेट में है, इसके ईस्ट साइड में क्या है, वेस्ट साइड में क्या है, नॉर्थ साइड में क्या है, साउथ साइड में क्या है। तो बेसिकली आप चारों डायरेक्शन में बता देंगे क्या क्या चीजें हैं, एक तो दूसरी चीज। तीसरी चीज आप यहां पर बताएंगे अगर कोई करंट अफेयर्स इससे एसोसिएटेड अगर आपको याद है तो आप लिख सकते हैं, या फिर कोई रिसोर्स यहां पर इंपॉर्टेंट मिल रही है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट सिटी अगर है तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो बेसिकली इन 3 पॉइंट में आप इस पूरे 30 वर्ड को बहुत आराम से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बात करते हैं, पहले लोकेशन को देख लेते हैं। फर्स्ट लोकेशन इज आवर पीर पंजाल रेंज। तो देखिए, पीर पंजाल रेंज के बारे में बात करेंगे तो पीर पंजाल रेंज हमारी यहां पर है, ये हमारी पीर पंजाल रेंज है। अगर हम लोग सांभर लेक के बारे में बात करें तो देखिए, दिस इज आवर सांभर लेक जो राजस्थान में मिल जाती है, सेंट्रल मतलब नॉर्थ सेंट्रल में मिलती है। इसके बाद हमारी मालवा प्लेटू मिल जाती है जो हमारे सेंट्रल इंडिया में मिलती है। सिमिलरली मैकाल रेंज जो मध्य प्रदेश में इस तरीके से आपको मिल जा रही होती है। फिर हमारी लास्ट लोकेशन है कार्डेमम हिल्स, और कार्डेमम हिल्स हमें केरल में मिल जाती है, केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे मिल जाती है। तो हम लोगों ने लोकेशन को लोकेट कर लिया। आई होप आप लोग ये सारे के सारे सीरियसली कर रहे होंगे, क्योंकि मैप मेकिंग कभी भी एक दिन में नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा जीएस के लोग भी अगर देख रहे हैं तो जीएस के लोगों के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे जीएस के क्वेश्चन में आजकल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में केवल मैप मेकिंग से ही रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको काफी सीरियसली करिएगा। वापस से हम लोग आते हैं अपने 30 वर्ड पे आ जाते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने सबकी लोकेशन देख ली, पीर पंजाल जम्मू एंड कश्मीर, मैकाल रेंज हम लोगों ने एमपी में देख लिया, कार्डेमम हिल्स हम लोगों ने देख लिया केरल के पास में, मालवा प्लेटू हम लोगों ने देख लिया, फिर हम लोगों ने देख लिया सांभर लेक जो कि राजस्थान में है। अब जरा इसके 30 वर्ड्स के बारे में आ जाते हैं। सबसे पहले हमारी आती है पीर पंजाल रेंज। मैंने आप लोग को बताया है पहले आप लोग को स्टेट देखना है, लोकेशन देखनी है, इंपॉर्टेंस देखना है। तो यहां पर यही चीज बताई गई है कि पार्ट ऑफ वेस्टर्न पंजाब हिमालय, कुछ इंपॉर्टेंट चीज लोकेशन वाइज, ठीक है। तो ये वेस्टर्न पंजाब हिमालय का पार्ट है, लाइंग इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया नॉर्दर्न पाकिस्तान एंड एक्सटिंग साउथवर्ड एज धौलाधार रेंज के पास में पाई जा रही होती है। बनिहाल पास यहां पर पाया जाता है, इज द स्ट्रैटेजिक लोकेशन इन द रेंज। द पीर पंजाल रेलवे टनल इज लोकेटेड इन द रेंजेस ऑफ मिडिल हिमालयाज इन जम्मू एंड कश्मीर। तो मैंने एक यहां पर करंट अफेयर्स भी जोड़ दिया। तो यू कैन ऑल्सो राइट दिस काइंड ऑफ आंसर। तो इस तरीके से मैंने आप लोग को जस्ट एक छोटा सा आइडिया है जिसको आप इस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये कोई फुल प्रूफ आंसर नहीं होता है, दिस इज जस्ट एन आइडिया, ठीक है। मैकाल रेंज के बारे में बात करें, सिमिलर चीज, वही सारे के सारे हम लोग मेथड्स को वही फॉर्मूला अपनाएंगे। अगेन हम लोग बात करेंगे कि किस स्टेट में है, तो मध्य प्रदेश स्टेट में है। लोकेशन क्या है, रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फॉर्मिंग द ईस्टर्न बेस ऑफ ट्राइंगुलर सतपुड़ा रेंज। तो सतपुड़ा रेंज यहीं पर पाई जा रही होती है। मैकाल रेंज कंसिस्ट ऑफ लेटराइट कैप्ड फ्लैट टॉप्ड प्लेटू, बिल्कुल हो जाएगा। इसके अलावा आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आप यहां पर इस
फॉरेस्ट के बारे में भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर फॉरेस्ट पाई जाती है, तो कई सारी चीजें लिख सकते हैं। यहाँ पर ट्राइब्स बहुत सारी पाई जाती हैं, तो ये सब चीजें आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी कार्डमम हिल्स के बारे में, तो कार्डमम हिल्स में अगेन हम लोग बात करेंगे ये किस स्टेट में है, तो दिस माउंटेन इज इन साउथ ईस्ट केरल स्टेट सदर्न इंडिया, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट रेंज। एंड कार्डमम हिल्स प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करती है? टी प्रोड्यूस करती है, कॉफी प्रोड्यूस करती है, टीक प्रोड्यूस करती है और बैम्बू प्रोड्यूस करती है। आप यहाँ पर नीलगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर नीलगिरी नेशनल पार्क के बारे में भी लिख सकते हैं कि कार्डमम हिल्स भी उसका एक हिस्सा बन जाती है। तो आप इस तरीके से इंफॉर्मेशन, जो भी आपकी एक्सपीरियंस है, यहाँ पर देखिए अलग से आपको कोई चीज पढ़ना नहीं होता है, जस्ट आपको जो भी इंफॉर्मेशन, जितनी भी चीजें पती हैं उसको आपको पॉइंट फॉर्मेट में लिखते आना है। नेक्स्ट हमारी लोकेशन आती है मालवा प्लेटू। मालवा प्लेटू के बारे में सेम वही चीज बात करेंगे हम लोग, नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में ये प्लेटू है, इसके वेस्ट साइड में गुजरात प्लेन पाई जाती है, ईस्ट साइड में जब आप आ जाएंगे तो ईस्ट साइड में विंध्यन रेंज पाई जाती है, नॉर्थ में हमारी बुंदेलखंड प्लेटू है और साउथ में हमारी विंध्यन रेंज में आ जाती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सब देख लिया। इसके अलावा इट इज बसाल्टिक अपलैंड डेवलप ड्यूरिंग सेनोजोइक एरा, तो सेनोजोइक एरा वगैरह के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस ही कर रहे हैं, तो उसका फटाफट हम लोग यूज भी कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग अपने इस आंसर को लिख सकते हैं। लास्ट हमारी आ जाती है सांबर लेक के बारे में, तो सांबर लेक अगेन इट इज अ सॉल्ट लेक, लार्जेस्ट लेक इन इंडिया, ठीक है, सिचुएटेड इन ईस्ट सेंट्रल राजस्थान स्टेट, इट रिप्रेजेंट अ डिप्रेशन ऑफ द अरावली रेंज एंड इट इज रेफर्ड टू बी रेमनेंट ऑफ एंशियंट टेथिस सी, क्लियर है। इसके अलावा आप सरस्वती रिवर के बारे में भी लिख सकते हैं कि सरस्वती रिवर यहीं पर ड्रेन हो रही होती थी। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा ही अपना 5 लोकेशंस देख लिए। अगले दिन के लिए डे 2 के लिए आपके लिए एक टारगेट दे दिया गया है, आप इन लोकेशंस को देख सकते हैं, लिख सकते हैं और हम तक भेज सकते हैं टेलीग्राम चैनल का यूज करके। तो ये लोकेशंस क्या क्या है, चिल्का लेक, इसके अलावा चंबल रिवर, पेन गंगा रिवर, तुंगभद्रा रिवर और रानीखेत, इनके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे इसी समय इसी वक्त। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।